ईरान पर इसराइल के जवाबी हमले का खतरा मंडरा रहा है। इजरायली रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि ईरान पर हमले के बाद दुनिया को उनकी सेना की ट्रेनिंग और क्षमता का सही अंदाजा हो जाएगा। गैलट के इस बयान से समझा जा सकता है कि इसराइल का प्लान ईरान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का है। 1 अक्टूबर को जब ईरान ने इसराइल पर हमला किया था तो अमेरिका समेत उसके सहयोगियों ने दावा किया था कि उन्होंने ईरान के हमले को नाकाम कर दिया है। इसराइल के सुरक्षा कवच आयरन डोम के फेल साबित होते ही अमेरिका ने अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम थार इसराइल पहुंचा दिया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो इसराइल पर संकट आते ही अमेरिका और उसके सहयोगी मजबूती से नेतन्याहू सरकार का साथ देते हैं, लेकिन ईरान पर आने वाले खतरों में उसका साथ कौन देगा? इसका जवाब है भारत का जिगरी दोस्त रूस। दरअसल रूस ने साफ कर दिया है कि वो ईरान को अकेला नहीं छोड़ेगा। रूस ने ईरान के साथ संबंधों को और गहरा करने की प्रतिबद्धता जताई है। क्रेमलिन के प्रेस सेक्रेटरी दिमित्री पस्कोव ने कहा कि रूस ईरान के साथ कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने जा रहा है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को लेकर वो सभी पक्ष के साथ वार्ता कर रहे हैं। फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था तो अमेरिका और पश्चिमी देशों ने उसे अलग थलग करने का जमकर प्रयास किया था, लेकिन भारत समेत और ईरान ने रूस का साथ नहीं छोड़ा, बल्कि ईरान पर आरोप है कि उसने यूक्रेन के खिलाफ रूस को कई ताकतवर हथियार और ड्रोन भेजे। वहीं अब ईरान चाहता है कि इसराइल के खिलाफ रूस भी उसका साथ दे। ऐसे में रूस की ओर से आए ताजा बयान से माना जा रहा है कि अगर इसराइल हमला करता है तो मुमकिन है कि रूस ईरान की मदद करे। अब ये मदद किस रूप में होगी इसे लेकर फिलहाल असमंजस बरकरार है। हालांकि कुछ दिनों पहले रूस की ओर से ईरान को ताकतवर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भेजे जाने की खबर थी। इसके अलावा रूस ने इसराइल को चेतावनी भी दी थी कि उसे ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमले के लिए सोचना भी नहीं चाहिए। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे TVNR Digital।